बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आपकी दोस्त और होस्ट समर। तो आज हम बना रही हैं बहुत मज़े की रेसिपी, और हमारे घर तो सबको बहुत मज़े की लगती है, और इस रेसिपी का सब बहुत बेसब्री से वेट कर रहे हैं। तो आज हम बना रहे हैं दाल माश विद चिकन। चलें देखते हैं किस तरह बनेगी और इसके इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं। दाल माश, जिसको हमने पानी में भिगो दिया था, बारीक कटे हुए टमाटर, बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, बारीक कटे हुए प्याज, चिकन, अदरक लहसुन का पेस्ट, लाल मिर्चों का पाउडर, नमक, ज़ीरा, हल्दी, ये सूखे धनिया का पाउडर है, और गरम मसाला। चलें देखते हैं ये रेसिपी किस तरह बनेगी। पैन में डाल दिया है ऑयल, तो अब हम इसके अंदर डालेंगे प्याज, अब हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबल स्पून है, इतनी खुशबू आ रही है अदरक लहसुन के पेस्ट की। अदरक लहसुन की इतनी अच्छी खुशबू आ रही है और ये भुन भी गया बहुत अच्छी तरह, तो अब हम डालेंगे इसके अंदर हरी मिर्चें, बारीक कटी हुई और बारीक कटे हुए प्याज, टमाटर, प्याज डाल दिए, टमाटर, अब हम इसको कवर कर देंगे 2 मिनट्स के लिए ऑन द लो फ्लेम। समर क्या कर रही हैं आप? मैंने सोचा रेसिपी के दौरान मीन मैं सोचा एप्पल खा लूं। एनर्जी आप किलो हो रही थी। मैंने अभी भी डाइट किया और मामा ने कहा चलो हम रेसिपी बना लेते हैं, बस रेसिपी बना तो मैंने भी नाश्ता भी कब का मैंने किया, मुझे नहीं भूख लगी, मैं सोचा एप्पल फ्रूट। अभी तो छुट्टियां चल रही हैं, हॉलीडेज हैं, लेकिन हमारी व्हाट्सएप क्लासेस चल रही हैं ऑनलाइन स्टडी, तो मैं बस वही कर रही थी। तो 3 आवर्स से मैं बैठ के होमवर्क कर रही थी, फिर उसकी पिक्चर्स भेज दी, अटेंडेंस लगाई है, तो अब मैं फारिग हो गई हूँ डायरी से, बिल्कुल टोटल फारिग। तो मेरा ना कुछ करने का दिल कर रहा था। हमारे स्कूल वालों ने ऑनलाइन स्टडी का सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया है हॉलीडेज़ में, तो हम लोग रोज़ाना, हमें डायरी मिलती है व्हाट्सएप पे, और हम लोग रोज़ वो डायरी करके तो पिक्चर भेज रहे हैं उस होमवर्क का, और चेक करवाते हैं मैम को फिर, और फिर हमारी अटेंडेंस मार्क होती है। उससे पहले आप लोग चाहे प्रेजेंट भी तो ना, आपकी अटेंडेंस नहीं मार्क होगी जब तक आप होमवर्क की पिक्चर ना उस ग्रुप में ना सेंड कर दो। तो अभी बस वही करके मैं फारिग हुई हूँ डायरी, तो अब हम लोग बना रहे हैं, होपफुल आपको व्लॉग अच्छा लगे। चले आए देखते हैं कि अब हमारी रेसिपी का क्या सीन है। मसाला तो बहुत अच्छे से रेडी हो रहा है, तो अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे स्पाइसेस। अब डालेंगे इसके अंदर चिकन, चिकन अच्छी तरह से कुक हो गया, तो अब हम डालेंगे इसके अंदर दाल। दाल को आधा घंटा पहले पानी में भिगोया था, हम अब 1 कप पानी डालेंगे। 1 कप पानी डालने के बाद अच्छी तरह से दाल को बॉईल आ गया, तो अब हम इसको कवर करेंगे लो फ्लेम पे 20 to 25 मिनट्स के लिए। बिस्मिल्लाह, 25 मिनट्स हो गए हैं और हमारी दाल बहुत मज़े की कुक हो गया, तो अब हम टेस्ट करते हैं कि कैसी बनी है। माशाल्लाह, लग तो बहुत अच्छी थी। चम्मच ज़रा मारो। अब डालते हैं धनिया। अब मैं आपको ट्राई करके बताती हूँ कि कैसी बनी है।
वाओ देख तो बहुत यम्मी लग रही है। चलो जी अब ट्राई करते हैं। दाल आप लोग देख सकते हैं कितनी खड़ी खड़ी और मजे की बनी है। साथ है गर्मा गर्म तंदूर की रोटी, तो अब हम ट्राई करके बता देंगे कैसे बनेगी। बहुत मजे की बनी है और जब दाल खड़ी खड़ी हो तो वो तो बहुत ही मजे की लगती है और स्पाइसेस भी बैलेंस हैं, ज्यादा स्पाइसी नहीं ज्यादा भीगी नहीं, बहुत मजे की बनी है। तो आज आप लोग भी अपने घर में यही दाल बनाएं और इसी रेसिपी को फॉलो करके आज की मजेदार सी डिश का मजा लें। तो मैं समय मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड अल्लाह हाफिज़।